डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर हमने अपने कस्टमर को कोई कोटेशन दिए, कोटेशन से मुराद क्या होती है कि हमने अपने कस्टमर को एक इन्फॉर्मेशन दिए, हमारे कस्टमर ने हमें एक फ़ोन किया कि भाई मुझे ये मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो मुझे बताओ कि मोबाइल फ़ोन जो है वो कितने कितने में मिलेगा, क्या उसके रेट होंगे और क्या टैक्सेस अप्लाई होंगे, कितने में मुझ तक कितने में पहुंचेगा, कितने दिन में पहुंचेगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी बातें मुझे बताओ, डिस्काउंट कितने का मिलेगा, ये सारी बातें मुझे जो है वो उस पर बता दो। तो आप अपने कस्टमर को एक कोटेशन देना चाहते हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं कोटेशन कैसे देंगे। लेकिन उसके लिए मैं ज़रा रेट भूल गया हूँ, रिपोर्ट्स में जाता हूँ, रिपोर्ट में जाने के बाद अपनी इन्वेंट्री चेक करता हूँ और इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो मेरे पास ये है नोकिया 3310, ठीक है, ये 10 फ़ोन की वैल्यू कितनी बनती है, 40,000, यानी एक फ़ोन कितने का बनता है, 4,000 का। इसके अलावा 5 फ़ोन हैं, ये कितने के हैं, 30,000 के, यानी एक फ़ोन कितने का बनता है, 6,000 का एक फ़ोन बनता है, ठीक है। तो ये है 4,000 का और ये है 6,000 का, जहन में रखिएगा, मैं भूल गया था रेट इसके। खैर, इसे बंद कर देता हूँ और इसे भी बंद कर देता हूँ और वापस आते हैं। अब हम चलते हैं, कस्टमर को हम एक कोटेशन दे रहे हैं, कहाँ से देंगे, टास्क में जाइए, टास्क में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोट्स, सेल्स ऑर्डर और प्रपोजल, तीनों इसी के अंदर है। कोट्स का मतलब है कोटेशन, कोटेशन पर क्लिक कीजिए, यह आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। जिस कस्टमर को आप कोटेशन भेज रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने कोटेशन की आईडी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप कस्टमर की आईडी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, देखिए मैं यहाँ पे अपने कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, कस्टमर को सिलेक्ट किया, ये हिस्सा फिल हो गया, ये हिस्सा फिल हो गया, ये हिस्सा फिल हो गया और ये हिस्सा ऑटोमेटिकली फिल हो गया है मेरे कस्टमर का, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका बिलिंग एड्रेस है, यानी जो ये बिल बनेगा, ये बिल इस एड्रेस पर जाएगा और माल जो होगा वो इस एड्रेस पर डिलीवर होगा, ठीक है। डेट क्या होगी, ये 22 अगस्त की, आज की मेरे कंप्यूटर की डेट यहाँ पर जो है वही डेट यहाँ पर शो हो रही है कि 22 अगस्त को जो है वो हम ये कोटेशन बना रहे हैं। अब गुड थ्रू, ये गुड थ्रू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने कस्टमर को जो ये कोटेशन दी है, ये जो कोटेशन मैं कस्टमर को बनाकर दे रहा हूँ, जो रेट्स में इसमें लिख रहा हूँ मोबाइल फ़ोन के, ठीक है, वो किस तारीख को बता रहा हूँ, मैं 22 तारीख को बता रहा हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने उसको कोटेशन दी, 22 तारीख को मैंने उसे अपने रेट बताए मोबाइल फ़ोन के। कस्टमर मेरे पास 22 अगस्त के बाद आता है, 22 दिसंबर को मेरे पास आता है, दिसंबर के महीने में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद आता है मेरे पास और 4 महीने बाद आकर मुझे कहता है कि सर आपने ये कोटेशन दी थी, इसमें मोबाइल फ़ोन के रेट ये लिखे हुए हैं, इसी रेट पर मुझे जो है वो आप अपना सामान भेज दें। मैं बोलूँगा भाई ये 4 महीने पुरानी कोटेशन है, आप अब लेकर आ रहे हो, अब तो रेट चेंज हो गए, रेट बढ़ गए मोबाइल फ़ोन के, मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा हो गया है, ठीक है, तब्दीली आ गई है तो मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा हो गया, मैं आपको उसी रेट पर नहीं बेच सकता। बोला भाई आपने कहाँ लिखी थी ये बात, आपने कोटेशन दी थी, कोटेशन में तो यही लिखा हुआ था। तो आपको उसे यहाँ पर ये बात वाजे करनी है, गुड थ्रू, गुड थ्रू फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ 31 अगस्त, मैंने उसे बताया भाई 22 तारीख को मैं आपको कोटेशन दे रहा हूँ, 31 अगस्त तक ये कोटेशन वैलिड रहेगी, यानी इस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो 31 अगस्त तक इस पर वैलिड रहेगी, 31 अगस्त के बाद इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन बेकार हो जाएगी। मेरे पास मत लेकर आइएगा 1 सितंबर को कि भाई आपने कोटेशन दी थी, 1 सितंबर को अगर रेट चेंज हो गए तो मैं रेट चेंज कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये जो कोटेशन इस पर जो दे रहे हैं आप कस्टमर को, आपको ये भी बताना है कि कोटेशन जो है वो कब तक वैलिड है। यहाँ पे कोटेशन का नंबर देना है आपको, सपोज कीजिए Q1 दे दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, और कस्टमर PO, कस्टमर का परचेज ऑर्डर, कस्टमर ने आपको अभी तक परचेज ऑर्डर दिया ही नहीं है तो आप यहाँ पर परचेज ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ठीक है। शिप वाया, कस्टमर को माल कैसे डिलीवर करेंगे, तो आपने जब इस कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन किया तो आपने लिखा था कस्टमर पिकअप, यानी कस्टमर जो है वो खुद पिकअप करेगा। आप कहते हैं कस्टमर ने कहा कि यार मैं खुद पिकअप तो नहीं कर सकता, आप डिलीवर कर दो, आपने बोला ठीक है हम कुरियर के थ्रू डिलीवर कर देंगे या हैंड डिलीवर करेंगे, जैसे भी हम डिलीवर करेंगे, सपोज हम हैंड डिलीवर कर देंगे आपको, क्या याद करोगे। टर्म्स क्या थी, 2%, 5% एंड नेट 15 डेज, ये आपकी उनकी जो है वो टर्म्स थी, यानी 15 दिन में आपको ये उधार देना पड़ेगा, जो भी इसका बिल होगा, इस बिल की पेमेंट आपको कितने दिन में करनी है, 15 दिन में पेमेंट करनी है, और अगर 5 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो इस पर आपको क्या मिल जाएगा, 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये क्यों है सर, ये पहले भी आया था, आपने दिखाया था, ये आज फिर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि समटाइम ऐसा होता है, बाज बिजनेस में ऐसा होता है कि वहाँ पर आप सेल्समैन को हायर करते हैं, सेल्समैन की तनख्वाह कुछ ऐसे डिसाइड करते हैं कि भाई आपने जिस जिस कस्टमर को सेल की होगी उसका जो बिल बनेगा हम उस बिल पर आपको कमीशन देंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर ये
किस कस्टमर को, किसी सेल्समैन ने माल बेचा है तो उस सेल्समैन का आप यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल बशीर ने माल बेचा है फुरकान को, बशीर हमारा जो है वो सेल्समैन है, बशीर ने फुरकान को माल बेचा। अब बशीर आके बोलेगा सर मैंने 1 लाख का माल फुरकान को बोझा, 1 लाख पर मुझे कमीशन तो मिलेगा? मैंने बोला हाँ मिलेगा। तो फिर यहाँ पर अगर मैं बशीर का नाम लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली बशीर के नाम पर मेरा जो कमीशन बनेगा वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मेंशन अगर करते हैं तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारा कौन है जिसने हमारा ये माल बेचा, अगर कमीशन वाला चक्कर है तो। नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर छोड़ दीजिए। खैर, अब यहाँ पर यूनिट्स की बात होगी, क्वान्टिटी, कितने यूनिट्स आप बेच रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने सेलेक्ट किया 3 यूनिट आप बेच रहे हैं उसे, यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट के जो भी आइटम है, 2 आइटम है M101 और M102। तो मैं सपोज़ कीजिए इसके 10 यूनिट मेरे पास रखे हुए हैं, 10 नहीं बल्कि मैं इसके बेच देता हूँ 5 यूनिट बेच देता हूँ। 5 यूनिट मैंने बेचे कौन से मोबाइल फ़ोन के, देखिए क्वान्टिटी शो कर रहा है 10 यूनिट है इसके M101 की, यहाँ पे उसने डिटेल बता दी, नोकिया 3310 है। यूनिट प्राइस कितने में बेचेंगे आप ये, तो ये फ़ोन था शायद 5000 रुपये का, हमने बोला सॉरी 4000 का, हमने बोला ये हम आपको देंगे 5000 के हिसाब से। तो 5000 के पैसे कितने हो गए, 25000। 5 फ़ोन 5000 के हिसाब से 25000 हो गए। अब बीच में एक कॉलम है टैक्स का, ये टैक्स इस वक्त सेलेक्ट है 1 का मतलब है रेगुलर, रेगुलर का मतलब है टैक्सेबल, यानी इस बिल पर, इस मोबाइल फ़ोन पे टैक्स देना पड़ेगा कस्टमर को, कस्टमर से आप टैक्स लेंगे। और अगर ये मोबाइल फ़ोन ऐसा है कि इस पर टैक्स नहीं है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिस पर टैक्स नहीं ले सकते आप, तो फिर आप किस पे सेलेक्ट करेंगे, 2 पे सेलेक्ट कर देंगे, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो हम सपोज कर दें कि भाई इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा तो 1 सेलेक्ट कर दीजिए, और अगर टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो 2 सेलेक्ट कर दीजिए। तो सपोज अभी हम 1 की बात करते हैं, सेलेक्ट के लिए आपने डबल क्लिक करके टैप दबा दीजिए, फिर टैप दबा दीजिए। अब इसके बाद दोबारा से दूसरा फ़ोन, दूसरे फ़ोन भी उसको चाहिए, और दूसरा फ़ोन उसको चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। तो आपने यहाँ पर 2 सेलेक्ट किए, M102 सेलेक्ट किया आपने, इंटर दबा के भी हो सकता है। और उसके पैसे कितने बनेंगे, उसके पैसे बनेंगे सपोज़ वो एक फ़ोन था शायद 6000 रुपये का था, हाँ जी 6000 रुपये का था, वो हम उसे देंगे 7000 के हिसाब से। तो कितने पैसे बन गए इसके, 14000 रुपये बन गए। टोटल बिल कितना बन गया उसका, 39000। 25000 और 14000 मिलाकर कितने हो गए, 39000। ये तो मोबाइल फ़ोन का बिल हो गया। अब सर सेल्स टैक्स आपने यहाँ पर लिखा है, लेकिन सेल्स टैक्स तो यहाँ शो ही नहीं हो रहा, आपने 17% सेल्स टैक्स कहा था, तो वो उस वक्त तक शो नहीं होगा जब तक आप यहाँ से सेल्स टैक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने सेल्स टैक्स को सिलेक्ट किया तो इस पर टैक्स कितना बनेगा, 6630 रुपये इस पर जो है वो सेल्स टैक्स बनेगा। कस्टमर को आप बताएंगे कि भाई 29000 रुपये का सामान है, सॉरी 39000 का सामान है, 6630 रुपये इस पर सेल्स टैक्स बनेगा। फ्रेट, फ्रेट कहते हैं किराए को, कि भाई क्या इस पर किराया भी होगा। अगर इस पर किराया भी, आप जाहिर सी बात है आप खुद डिलीवर कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आप कस्टमर से इस पर किराया भी ले सकते हैं। तो आपने कहा राउंड फिगर करने के लिए मैं कुछ किराया लेता हूँ, 370 रुपये इस पर जो है वो किराया लगेगा। सही है भाई, टैक्स कितना लगेगा, 6630, किराया लगेगा इस पर 370। तो आपका टोटल बिल कितना बन जाएगा, 46000 का आपका टोटल बिल बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सॉरी, यू कैन नॉट पोस्ट फ्रेट टू करेक्ट अकाउंट, प्लीज़ सेट GL फ्रेट अकाउंट इन मेंटेन डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री आइटम। आपने अभी तक जो फ्रेट को जो है, क्योंकि जब हमने इन्वेंट्री क्रिएट की थी तो हमने वहाँ पर फ्रेट को कनेक्ट नहीं किया था, तो जब तक आप फ्रेट वहाँ से कनेक्ट ना कर दें तब तक आप यहाँ पर फ्रेट नहीं लिख सकते। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे उसे, हमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सपोज़ कीजिए अभी हम किराया नहीं ले रहे अपने कस्टमर से, ठीक है, तो बिल कितने का बनेगा, 45630 का। इसे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, और ये सेव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर वो आपको कोटेशन कस्टमर को मेल करनी है तो क्या करें, यहाँ से वापस बैक आइए पीछे, ये वो कोटेशन आ गई, यहाँ से इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालिए, ईमेल करनी है ईमेल कर दीजिए, जो आपका दिल करना है वो कर दीजिए, कस्टमर के पास जो है वो ये कोटेशन चले जाएगी। ठीक है जी, तो ये कोटेशन आपकी तैयार हो गई। ये कोटेशन आपने दिए, कस्टमर को माल नहीं दिया, बल्कि आपने कस्टमर को सिर्फ क्या दिया, अभी कोटेशन दिए, कस्टमर को माल अभी प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये अभी हमने सिर्फ जो है वो एक सेल्स कोटेशन बनाई। अब चेक करना हो तो कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर जाइए रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर नजर आएगा, कहाँ के चले गए भाई, इन्वेंट्री सॉरी रिसेबल, अकाउंट रिसेबल में जाइए, अकाउंट रिसेबल में यहाँ पर आपको नजर आएगा कोर्ट रजिस्टर यानी कोटेशन रजिस्टर, इस पर डबल क्लिक कीजिए, या आपको फुरकान खान के नाम पे जो है वो कोटेशन रजिस्टर जो है वो उसमें कोटेशन रजिस्टर में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, फुरकान खान के नाम पर अभी कोई उधार नहीं चढ़ा, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा अकाउंट रिसेबल में, कहाँ चला गया भाई, कस्टमर लेजर,
कस्टमर लेजर पे क्लिक कीजिए, फुरकान खान के नाम पे वही 10,000 जो उसका पुराना बैलेंस था वही शो हो रहा है। ये जो अभी हमने उसे कुछ 46-42 हज़ार का माल जो कोटेशन दिए वो यहाँ पे अभी इसके उधार पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि सर सेल्स टैक्स के साथ आपने जो फ्रेट चार्ज यानी जो किराया लिखा था वो कैसे ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए ज़रा तरीक़ार समझ लीजिएगा। मेंटेन में जाएं, मेंटेन में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर है इन्वेंट्री आइटम्स। इन्वेंट्री आइटम पर आ जाइए। इन्वेंट्री आइटम पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है GL अकाउंट कॉस्टिंग, ठीक है। GL अकाउंट कॉस्टिंग पर आ जाए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है GL अकाउंट कॉस्टिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है GL फ्रेट अकाउंट यानी जो किराया है, किराए का अकाउंट, वो आपने यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है फ्रेट अकाउंट। अब फ्रेट अकाउंट आपके पास अगर बना हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फ्रेट बेसिकली आपका एक्सपेंस है, तो आपके पास कोई फ्रेट के नाम से एक्सपेंस मौजूद नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप न्यू पर जाइए और न्यू अकाउंट क्रिएट करें। आप आईडी नंबर होगी इसकी 6003। देखिए अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, मेरे पास आ रही है, पता नहीं शायद आपके पास भेजिए, अब ये जो है वो काम नहीं कर रहा, तो इसे मैं कैंसिल करूँगा, इसे दोबारा लिखने की कोशिश करूँगा तो वो एक एरर देगा, इसे नो कर दीजिएगा और अब मैं लिखूँगा तो ये लिख लेगा 6003, ठीक है। इसे ओके कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन इसकी बता दिए फ्रेट FREIGHT फ्रेट, और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में से शामिल कर दीजिए और इसके बाद इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सेव करने के बाद इसे बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया फ्रेट, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो ये टैक्सेस इस पर कौन से अप्लाई हो रहे हैं, रेगुलर टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ये शिपिंग मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसके बाद इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हम वापस आते हैं उसी कोटेशन पर, टास्क पे चलते हैं, कोटेशन पर आते हैं, कोट्स में आते हैं। अब कोटेशन पीछे जाना है तो ये बैक है, बैक पर आ गए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोटेशन 370, सॉरी फ्रेट, कोटेशन में फ्रेट लिखता हूँ 370, और 370 लिखने के बाद ये हो गया 46,000। अब इसे मैं सेव करता हूँ तो अब ये 46,000 के साथ क्या हो गया भाई, सेव हो गया, ठीक है जी। अब कोटेशन का अमाउंट वहाँ से जाकर चेक करना है आपको, तो चेक कर लीजिए, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म में जाइए और यहाँ पर अकाउंट रिसेबल में आ जाइए और ये लिखा हुआ कोर्ट रजिस्टर, डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कोटेशन कितने की शो हो रही है, 46,000 की। तो फ्रेट के लिए जब तक आप अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक जो है वो फ्रेट ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ कस्टमर को अपनी कोटेशन दी है कि हम आपको जो माल देंगे उसकी प्राइस ये होगी, इतने दिन तक वो वैलिड होगा, उस पर टैक्सेस कितने लगेंगे, किराया कितना लगेगा, पेमेंट कितने दिन में करनी है, कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी बातें हमने कस्टमर को कोटेशन में बताई। आई होप कि आपको कोटेशन बनाना जो है वो समझ में आया होगा, साथ साथ फ्रेट कैसे कनेक्ट करना है वो भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।